मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग फ्रॉम आदर्श महाविद्यालय। ट्वेल्थ अकाउंट्स, अकाउंट्स में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर फिफ्थ, अकाउंट्स चैप्टर नंबर फिफ्थ। कौन सा चैप्टर? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है ना, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? शॉर्ट सम कर लिए, किस तरह के शॉर्ट सम थे, ड्यू रेशियो किस तरह से फाइंड करना है, किस तरह से सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंदर जो पॉइंट है, गुडविल, गुडविल किस तरह से निकलेंगे, उसका इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को गुडविल किस तरह से देंगे, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कल हमने एक लॉन्ग सम भी इसमें डिस्कस किया था, कौन सा? पेज नंबर 208 पर, आबा और बीना। आज इसके आगे सम करेंगे, लॉन्ग सम जो हमारे फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा सम? क्वेश्चन नंबर 10, विदित और विशाल। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से पेज पर है? 209, पेज नंबर 209, 209 नंबर पेज पर है। क्या दिया सब में? अच्छी तरह से रीड करेंगे। फर्स्ट, विदित और विशाल दो 2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी पेड़ी की पक्की तल पर नीचे अनुसार है। दो साइड है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। फर्स्ट लाइबिलिटी साइड कैपिटल थी दोनों की 48,060,000, आकस्मिक अनामन एक्सीडेंटल रिजर्व 9,000, कारीगर मुआवजा फंड 24,000, विनियोग अनामत 7,200, क्रेडिटर्स कितना 30,000, रूबत ऋण अनामत 1,800। एसेट साइड बिल्डिंग 66,000, मशीनरी 30,000, स्टॉक 18,000, डेटर कितना 39,600, बैंक कितना 8,400, विनियोग 18,000। अच्छी तरह से देख लेने का, विनियोग इस साइड 18,000, उस साइड उसका रिजर्व भी दिया है। ठीक है, कुछ भी उनकी जो कीमत है, प्राइस कम ज़्यादा हो उसमें से हम लोग एडजस्ट करेंगे। विदित ने नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, किसको नया पार्टनर बनाया है? बंटी को नया पार्टनर बनाया है नीचे की शर्तों के अनुसार। विदित अपने बाग में से कितना देगा? 1/4, और जो विशाल है अपने बाग में से कितना देता है? 1/8, 1/4 और 1/8 दोनों को ऐड करेंगे तो किसका शेयर आ जाएगा? बंटी का। अभी बंटी अपने पूंजी के रूप में से 72,000 अपने बाग की ख्याति रोकड़ में लाएगा। कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 72,000, और जो ख्याति है प्रीमियम और गुडविल वो कैश में लेके आएगा। इसके बाद पेरी की ख्याति का मूल्यांकन 32,000 किया गया है। ठीक है, तो उसकी गुडविल है 32,000 जो फर्म की कैलकुलेट की गई है। इसके बाद विदित और विशाल उनको प्राप्त ख्याति में से जो 32,000 में से जो बंटी की जो गुडविल लेके आएगा वो क्या करेंगे? आधी गुडविल कैश में लेके चले जाएंगे। जंत्र पर 10% विषय गिरनी है। देनदारों को 36,000 रूपये ऋण अपलिखित करना है और 15% अनामत का प्रावधान भी करना है। ठीक है, इसके बाद विनियोग की बाजार कीमत 9,000 है, मैंने आपको बताया। कारीगर मुआवजा 30,000 का दावा स्वीकृत किया, जो कारीगर जो वर्कमैन एक्सीडेंटल फंड है कितना है? 24,000, 30,000 का फंड और एक्स्ट्रा प्रोविजन करेंगे इसमें, आगे आ जाएगा सब में। इसके बाद लेनदारों पर 10% रकम चुकानी नहीं है जो हमारा बेनिफिट होगा। इसके अंदर हम क्या करना है? हमको सम के अंदर आवश्यक खाते तैयार करके पेड़ी की पक्की दर्पण बनानी है। ठीक है, आवश्यक खातों में क्या क्या आता है? मेन एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट, और नेसेसरी अकाउंट में कैश लेन देन हो रही तो नेसेसरी अकाउंट में कैश अकाउंट भी बनाएंगे। चार अकाउंट इसमें, चार चीजें बनानी पड़ेंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सब कहाँ से? एडजस्टमेंट से। बोला ना, विदित अपने बाग का 1/4 बाग और विशाल अपने बाग में से 1/8 बंटी के पक्ष में त्याग करेंगे। दोनों का सैक्रिफाइस दे दिया, सैक्रिफाइस दे दिया, तो टोटल बंटी का शेयर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, बंटी का शेयर कितना आएगा? इतना दोनों जिन्हें सैक्रिफाइस करेंगे, कितना कितना कर रहे हैं? 1/4 और 1/8, 1/4 प्लस 1/8 आ जाएगा। तो 2/1 कितना आ जाएगा? 2/3/8,
घंटी का स्क्वायर कितना आया? 3/8। ठीक है, अभी सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस से एकदम उन्होंने क्लियरली दे दिया है हमको, इतना इतना 1/4 और 1/8। ठीक है, हम लोग इसका सैक्रिफाइस वन दोनों के बट्टे के जो नीचे जो फिगर दिया 4 और 8 अलग अलग है, जो बट्टे अकाउंट अकाउंट में जो सम जो फिगर होता है उसको सेम लेके आते हैं। इतना है विदित का अभी क्या समय कौन सी एडजस्टमेंट करेंगे? सेकंड नंबर, बंटी पूंजी के रूप में 72,000 और अपने बाप की ख्याति रोकड़ में लाता है, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 72,000। और थर्ड एडजस्टमेंट में देखेंगे पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन कितना 32,000 किया गया। फर्स्ट कैपिटल की जो सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है फर्स्ट कहाँ जाएगा? बंटी कैपिटल के रूप में 72,000 लेके आ रहा है, एक जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट से बाय कैश एंड बैंक, कितना 72,000 बंटी के कॉलम में, और कैश आ रही है डेबिट साइड टू बंटी कैपिटल अकाउंट, कितना 72,000। इसके बाद क्या बोला? पेड़ी की ख्याति का गुडविल का इवैल्यूएशन किया 32,000 और बंटी का शेयर कितना है 3/8। गुडविल कितनी है फर्म की? 32,000। बंटी का शेयर है 3/8, हमने निकाला था ना सैक्रिफाइस रेशो और बंटी का शेयर, दोनों ने जितना सैक्रिफाइस किया था उतना बंटी को शेयर मिलेगा, हमने निकाला था कितना 3/8 है, तो इनटू 3/8 करेंगे 32,000 इनटू 3/8 ना आ जाएगा गुडविल 12,000 12,000। ठीक है, कैलकुलेशन हमको अलग से वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी। ठीक है, 12,000 कैसे आया? 32,000 फर्म की क्या थी गुडविल है और इसका शेयर कितना है 3/8, 12,000 3/8 करेंगे तो 32,000 × 3/8 तो कितना है गुडविल 12,000, तो ये गुडविल की रकम लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहे हैं? कैश में लेके आ रहे हैं, तो इसके पर कहां आ जाएंगे? एक ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और कैश अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, तो यहां पर क्या है? प्रीमियम और गुडविल, गुडविल कितना कितना 12,000 हुआ, दोनों को किस रेशो में लेंगे? गुडविल 2:1 में 12,000 का करेंगे डिवाइड करेंगे 12,000 को 2:1 में, कितना है 8,000 और 4,000। ठीक है, और इसका दूसरा इफेक्ट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट कितना 12,000,
इसके बाद नेक्स्ट है विदित और विशाल, उनको प्राप्त ख्याति की 50% ख्याति रोकड़ में लेके चल रहे। जो उनको हमारा हजार जो मिल रही है कितना लेके आ रहे हैं, बल्कि कितना लेके आ रहे हैं 12,000, उसमें से आधा अमाउंट वो विड्रॉ कर देते हैं, लेके चले जाते हैं। तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल के एक तो इस सर्किट है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट से क्या है प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट दोनों आधा आधा अमाउंट लेके जा रहे हैं। कितना ये विड्रॉ करेंगे, विदित कितना करेगा 4,000 और विशाल का आधा 2,000। कैश विदित से जा रही है तो उसका क्रेडिट जाएगा कैश अकाउंट के क्रेडिट से प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विड्रॉ है। पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हैं और पार्टनर्स कितना 6,000 लिखा देते हैं 4,000 प्लस 2,000 ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट यंत्र 10% ईसाई गिनती है। मशीनरी कितना है 30,000 बैलेंस शीट में आ जाएगी। मशीनरी कितनी है 30,000 लेस 10% डेप्रिसिएशन कितना 3,000 और आ जाएगा 27,000 डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है। लॉस किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट है टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 3,000 ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 6 नंबर, देनदारों में से 3600 डूबत ऋण लिखित करना है, 15% डूबत ऋण अनामत रखना है। तो डेटर्स लिखे, डेटर्स कितने दिए हुए, डेटर्स 39,600 जिसमें से बीडी कितना रखना है 3600 5,400 जो इंडिया है 15% कितना है 5,400 और ये नेट अमाउंट ऊपर चला जाएगा कितना है नेट अमाउंट 30,600 तो सेकंड सेगमेंट जाएगा कहां कहां पर। एक तो बीडीआर बढ़ रही है कितनी बीडीआर बेटर्स टू बेटर्स है 3600 तू बीडीआर भी बढ़ रहा है। बीडीआर देखो आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दे दिए दिखा है ना कितना डूबत ऋण अनामत 1800 ये अभी कितना आया 5400 इसमें से लेस कर देंगे 1800 तो कितना आ जाएगा 3600 ठीक है। इसके बाद विनियोग की बाजार कीमत 9,000 है, इन्वेस्टमेंट 9,000 कीमत है, सीधा सीधा लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कितनी 9,000 और हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे कितनी इन्वेस्टमेंट की कीमत दी है विनियोग 18,000 तो 9,000 लेस हो रही है, नुकसान हो रहा है हमको। पर एक लाइफ साइड हमको इसका एक फंड दे दिया है विनियोग अनामत अकाउंट, तो जो भी कमी वृद्धि होगी उस फंड में से हम लोग एडजस्ट करेंगे ठीक है। वहां पर इन्वेस्टमेंट 9,000 18,000 लेस करके 9,000 भी दिखा सकते हैं, पर डायरेक्टली अमाउंट भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना है, हमको फंड दिया है 7,200 का, अभी 9,000 का लॉस हो रहा है, 9,000 10,000
इसके बाद कौन सी एडजस्टमेंट दी है? कार्यक्रम मुआवजा फंड का 30,000 का दावा मंजूर किया है, स्वीकृत किया है। देखेंगे कार्यक्रम मुआवजा 24,000 है, लाइब्रेरी साइड के एसेट बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड कितना दिया है? 24,000। तो 30,000 तो एक हमारे लाइब्रेरी होंगे, स्टेटमेंट जाएगा क्लेम अंडर वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना है? 30,000। 24,000 उनको फंड में दिया है, 6,000 लॉस हो रहा है, तो किससे आएगा? टू रिवैल्यूएशन में डेबिट से। क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिवर्सल, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना? 6,000, जो कम हो रहा है उनको 30,000 में से 24,000 लेस करेंगे, जो बाकी अमाउंट बचेगा। ठीक है, इसके बाद लेनदारों में से 10% रकम चुकानी नहीं है, एक हमको बेनिफिट हो रहा है, कुछ एक ही सम के अंदर बेनिफिट हो रहा है। 30,000 क्रेडिटर्स दिए, कितने? 30,000 लेस कर देंगे 10% डिक्रीज 3,000, बाकी बचा 27,000। ठीक है, एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हुई। अभी बैलेंस शीट को पकड़ेंगे, किस साइड से शुरुआत करेंगे? लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड क्या है? पूंजी कैपिटल कितनी विदित और विशाल की? 48,060,000 बैलेंस शीट। दो ये अपना पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस वीडी कितना है? 48,000 और 60,000 और 60,000। सेकेंड आकस्मिक अनामत एक्सीडेंटल रिजर्व ये हो गया हमारा। इसके बाद कारीगर मुआवजा फंड इतना है 24,000। विनियोग अनामत हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बेटर रिजर्व भी हो गई। ठीक है, बिल्डिंग 66,000 ये बात है। तो सेंटिफाई देंगे फर्स्ट एसेट जो होगी यहां पर ऊपर सबसे बिल्डिंग कितनी है? 66,000। ठीक है, सबसे जो जो बोलते हैं ना फिक्स एसेट में सबसे जो फर्स्ट आइटम आता है वो लैंड एंड बिल्डिंग या बिल्डिंग वगैरह का लिखते हैं बैलेंस शीट में। इसके बाद मशीनरी हो गया, स्टॉक बाकी है। स्टॉक कितना है? 18,000 स्टॉक, 18,000। फिर इसके बाद बैलेंस शीट में डेटर्स हो गया, बैंक बैलेंस बाकी है। कैश बना है अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट कितना है? 8,400। टू लिख देंगे टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी बैलेंस शीट के सब हमारे आइटम्स हो गए। अभी टोटल करेंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। किस साइड पर टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड पर, तो लॉस आएगा हमारा। क्रेडिट साइड आए तो लॉस होगा, डेबिट साइड बैलेंस आए तो प्रॉफिट होता है। टोटल करेंगे 3,369। टोटल करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का कितना आएगा? 18,000। इसमें से लेस कर देंगे 3,000, तो क्या जाएगा? लॉस आएगा।
वन तीन टू एस टू थ्री का जो रेशियो है इस रेशियो में दे देंगे वो टू एस टू थ्री में कितना 15,000 को डिवाइड करेंगे दोनों बाद तीन में कितना आएगा 6,000 और 9,000 एक इसके अंदर एक हमारा आइटम रह गया है कौन सा एक्सीडेंटल बोला है ये बैलेंस शीट में आकस्मिक अनामत तो क्या ये एक एक्स्ट्रा अनामत है वो क्या करेंगे ये लोग इसको पार्टनर से बीच में डिवाइड कर देंगे पुराने रेशियो में एक आइटम कितना हमारा रह गया बाय एक्सीडेंटल रिजर्व कितना दिया बैलेंस शीट में 9,000 दो अनुपात तीन में डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 3,654 3,654 तो यहां पर इसका टोटल चेंज हो जाएगा कितना आएगा 69,400 उसी तरह से इसका 59,600 टोटल सेम नहीं देंगे 69,400 72,000 ठीक है लेस करेंगे टू बैलेंस करेक्ट डाउन जो बैलेंस शीट में जाएगा हमारा ये तो सीधा सीधा जाएगा 72,000 इसका घंटी का विशाल डाल करो विशाल में कितना आ रहा है 58,400 और 49,600 इसका आ रहा है निधि का बैलेंस शीट में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट कितना है विदित विशाल और तीसरे मंडे तीन पार्टनर है हमारा ठीक है प्रोस्पेक्ट 49,600 69,400 72,000 का टोटल करेंगे कितना आएगा 1,80,000 1,80,000 तो टोटल करेंगे बैलेंस शीट का कितना आएगा 1,80,000 2,10,000 प्लस 27,000 कितना होगा 2,37,000 2,37,000
237,000। दोनों साइड पर टोटल सेम आएगा, बैलेंस टोटल कितना 237,000। ठीक है, यहाँ पर हमारा सम पूरा हुआ। ये सम अच्छी तरह से करना है क्योंकि हमारी जो बोर्ड की एग्जाम है इसी तरह के लॉन्ग सम इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। सिर्फ किस में ध्यान रखना है, सैक्रिफाइस रेशो निकालने में और गुडविल की पॉइंट में, बाकी सम बिल्कुल ही इजी है। आपको इस सम के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। आपका जो होम असाइनमेंट क्या क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये आपको दो होमवर्क में करने हैं, मुझे आपको होमवर्क करके भेजना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।